नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के थाना बख्शी का तालाब में पदस्थ दरोगा प्रदीप पांडे बख्शी का तालाब थाने में रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। सब इंस्पेक्टर प्रदीप पांडे को किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता से जमीनी विवाद में मांगे थे पैसे, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन इंस्पेक्टर नुरल खुदा ने किया गिरफ्तार। इन महाशय के बारे में कहा जाता है कि ये बिना पैसे के कोई भी काम नहीं करते, पैसा लेकर कैसा भी काम हो कर देते हैं। लखनऊ पुलिस की छवि को तार तार करने में बिल्कुल भी शर्मसार नहीं होते। बिना किसी भय के प्रार्थी से पैसे मांगना जैसे इनका अधिकार है। प्रार्थी के साथ में आने वाले व्यक्ति को थाना डांट फटकार कर थाने से बाहर निकाल कर बोलते थे, यहाँ बिचौलियों का कोई काम नहीं, मैं अपना काम अपने स्तर से करता हूँ, सुनता मैं किसी की भी नहीं। अब देखना यह है कि प्रशासन प्रदीप पांडे पर क्या कार्रवाई करता है। जिस प्रकार प्रार्थी से पैसे की मांग की जाती है, क्या उस पर कोई रोक लग पाएगी या ऐसे ही प्रार्थी पैसा दे देकर अपना काम करवाएंगे और पुलिस मजा मारेगी। 50 मामलों में एक मामला ऐसा होता है जब पुलिस एंटी करप्शन के चंगुल में फंसती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।